हेलो गाइज, मेरा नाम है सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की हम बात करेंगे मी वाइट 12.5 के स्टेबल अपडेट के बारे में, क्योंकि कुछ डिवाइसों को मी वाइट 12.5 का अपडेट बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो हो गया, पोको एम टू प्रो को एंड्रॉइड 11 का अपडेट हो गया, रेडमी नोट 10 हो गया, रेडमी नोट 9 प्रो की बात करेंगे। तो इनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो शेयर करने वाला हूँ। कब तक आपको देखने को मिल सकता है मी वाइट 12.5 का अपडेट और कौन सा वर्जन वो हो सकता है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। और काफ़ी दिनों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही थी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर से जरूर शेयर किया जाए। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं सारे डिवाइसों को कवर करूंगा जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जिस डिवाइस के लिए। सबसे पहले बात करता हूँ रेडमी नोट 8 प्रो के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसको मतलब बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। मी वाई 12.5 तो देखने को मिलेगा ही, प्लस एंड्रॉइड 11 का अपडेट साथ में ही देखने को मिलेगा, वो भी इंडिया के अंदर। जी हाँ, कोई भी अपडेट आने से पहले आपको पता है कि चाइना में रिलीज होता है, उसके बाद ग्लोबल के अंदर, एंड उसके बाद होता है मतलब इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे फाइनली रेडमी नोट 8 प्रो के लिए मतलब चाइना में फुल रोल आउट हो चुका है, ग्लोबल में फुल रोल आउट हो चुका है, ये नहीं ग्लोबल में रोल आउट हुआ है, यूरोप में भी हो चुका है, इंडोनेशियन रोम भी मतलब इसके लिए रोल आउट हो चुका है, तो बाकी सारी कंट्री में रोल आउट कर दिया गया। बस हमारा इंडिया वाला कंट्री बचा है जिसमें रेडमी नोट 8 प्रो को अभी मी वाई 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं देखने को मिला। तो इसके लिए बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलने वाला है मी वाई 12.5 का। वर्जन भी देख सकते हैं Xiaomi एंड MIUI न्यूज के ऑफिशियल ग्रुप में भी आया कि रेडमी नोट 8 प्रो के लिए कौन सा वर्जन आने वाला है इंडिया के अंदर। रेडमी नोट 8 प्रो इंडिया स्टेबल अपडेट 12.5.2.0 RGGINX मतलब एंड्रॉइड 11 के साथ ही इंडिया में भी देखने को मिलेगा। मी वाई 12.5.2.0 वर्जन भी कंफर्म हो चुका है, और ये बताया जा रहा है कि अगस्त के एंड में रोल आउट हो जाएगा मी पहले टेस्टर के लिए। अगर कुछ इशू ना हुआ तो सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही रोल आउट कर दिया जाएगा रेडमी नोट 8 प्रो के लिए मी वाई 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11। अब बात करने वाला हूं पोको M2 प्रो डिवाइस के लिए। पोको M2 प्रो एक ऐसा डिवाइस है जिसके साथ शुरू जब से लॉन्च हुआ, जब से इसके साथ नाइंसाफी होती आ रही है, क्योंकि इसको अपडेट बहुत ज्यादा लेट देखने को मिलते हैं, और काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें MIUI 12.5 का अपडेट आएगा या एंड्रॉइड 11 साथ में ही देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस में बताया जा रहा है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एंड्रॉइड 11 का अपडेट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मी वाइट 12.5 का अपडेट। अब मैं ऐसे वैसे ये नहीं कह रहा, जैसे कि पता है 9 प्रो मैक्स और पोको M2 प्रो लगभग सेम ही डिवाइस हैं, बस इसमें कैमरा का फर्क है, चार्जर वगैरह सब कुछ सेम है, और लगभग साथ ही अपडेट आते हैं, थोड़ा सा गैप होता है 15 से 20 दिन का। अब यहाँ पे जो 9 प्रो मैक्स है जो डिवाइस है, इसके अंदर अभी हमें मी वाइट 12.5 का अपडेट नहीं देखने को मिला, बल्कि एंड्रॉइड 11 का अपडेट सामने ने रोल आउट किया है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब पोको M2 प्रो के लिए भी अब एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा, अभी ऐसी न्यूज आ रही है। जैसे कि 9 प्रो मैक्स के साथ भी ऐसा हुआ है, इसको MIUI 12.5 Xiaomi ने नहीं दिया, अभी एंड्रॉइड 11 का अपडेट दिया, तो आपको अभी देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11 बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगस्त एंड और या सितंबर के फर्स्ट वीक में ही इसके लिए एंड्रॉइड 11 का अपडेट रोल आउट हुआ है, और MIUI 12.5 अभी थोड़ा भूल जाइए, थोड़ा डिले होने वाला है पोको M2 प्रो डिवाइस के लिए। हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 डिवाइस के लिए। जी हाँ, इसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड है रेडमी नोट 10 के लिए MIUI 12.5 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट आपके लिए MIUI 12.5 का ही होने वाला है। अब बता दूं यहाँ पर ग्लोबल के अंदर MIUI 12.5 का अपडेट रेडमी नोट 10 के लिए रिलीज भी कर दिया है, इसके मैंने सारे फीचर वाले वीडियो भी बना दिए थे कुछ दिन पहले, तो वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिए। ग्लोबल में रिलीज कर दिया गया है MIUI 12.5.2.0 का अपडेट, वो भी ग्लोबल स्टेबल अपडेट, बस इंडिया में अब बाकी है इस अपडेट को। वैसे तो ये अपडेट आना था मतलब जुलाई के अंदर ही, लेकिन उसके अंदर एक UI एरर आने के कारण उस अपडेट को पोस्टपोन कर दिया, और अब बताया जा रहा है कि अगस्त के मिड में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है Xiaomi डिले करेगा, सितंबर तक तो नहीं लेके जाएगा रेडमी नोट 10 के लिए, क्योंकि इसको जुलाई में ही अपडेट देखने को मिलना था, अब जुलाई में पोस्टपोन करके अगस्त कर दिया, अगस्त से एंड अगस्त मान लेते हैं, तो अगस्त के एंड के अंदर बताया जा रहा है कि MIUI 12.5 का अपडेट रेडमी नोट 10 को देखने को मिल जाएगा। बाकी Xiaomi कर भी सकता है सितंबर के अंदर, मेरे हिसाब से अगस्त के एंड के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको जुलाई में Xiaomi को अपडेट देना था, लेकिन एक बग के कारण इस अपडेट को पोस्टपोन कर दिया। तो आपके लिए रेडमी नोट 10 यूज करते हैं तो आप तैयार हो जाइए, कभी भी अपडेट आ सकता है MIUI 12.5 का अपडेट। बाकी मैं अपडेट करता रहूंगा वीडियो के थ्रू, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो डिवाइस के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे कि इसको कवर जरूर करना, रेडमी नोट 9 प्रो को अपडेट कब तक देखने को मिल सकता है। अब इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही थी रेडमी नोट 9 प्रो को MIUI 12.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी 9 सीरीज के अंदर Xiaomi ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। Redmi Note 9 डिवाइस है, एक Note 9 है, एक Note
9 प्रो है, एक प्रो मैक्स है, इस प्रकार से डिवाइस है। तो 9 सीरीज के अंदर अभी रेडमी नोट 9 के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब 9 सीरीज पे Xiaomi ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। रेडमी नोट 9 को MIUI 12.5 का अपडेट दे दिया, वो भी इंडिया के अंदर, ग्लोबल में तो दे ही दिया है, इंडिया में भी दे दिया है, रोल आउट कर दिया है। IM नंबर के हिसाब से धीरे धीरे रोल आउट हो रहे हैं, वो भी साथ में एंड्रॉइड 11 अपडेट के साथ। रेडमी नोट 9 प्रो को तो एंड्रॉइड 11 ऑब्वियस सी बात है मिल ही चुका है, बस MIUI 12.5 का वेट कर रहे हैं। तो 9 सीरीज पे काम करना स्टार्ट हो चुका है, बाकी 9 प्रो को कब तक देखने को मिलेगा ये कहना मुश्किल है। मेरे हिसाब से सितंबर के अंदर 100% देखने को मिल जाएगा, लेकिन 9 सीरीज पे अब काम करना स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत जल्दी Redmi Note 9 Pro के लिए भी MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे इसको अपडेट कब देखने को मिलेगा, तो इन डिवाइजों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी। वैसे तो मैं वीडियो बनाने बहुत सारे डिवाइजों को बना सकता था कि इसको देखने को मिलेगा, उसको देखने को मिलेगा, लेकिन ये चार ही डिवाइस थे जिनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे थे कि MIUI 12.5 का अपडेट इनके लिए अभी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।